कौन सा कानून इजाजत देता है रात के 1 बजे? आपसे बड़ा गुंडा कौन है? क्या यही पुलिस की संवेदना है? क्या यही पुलिस का मोहब्बत है? ये सब के सब जनप्रतिनिधि बिहार में कायर कमजोर बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा आरोप है पुलिस प्रशासन पे। उनका साफ तौर पे कहना है कि रात के 1 बजे मधेपुरा के चौसा में एक घर में पुलिस प्रशासन घुसती है और जम के लाठी चार्ज करती है, बच्चे को भी पटक देती है। जी हाँ, और आरोप लगा रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। और उसी बीच रात के 1 बजे पहुंच भी क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप वो सुनिए। एक आतंकी के तरह जुल्म किया है प्रशासन ने, पुलिस ने। अहंकार के कारण यह जुल्म है, बिना सर्च वारंट। कौन सा कानून इजाजत देता है रात के 1 बजे हर घर में प्रवेश करके महिलाओं को पीटना, बच्ची को फेंक देना, जानवर को मार देना, पूरा घर को तबाह कर देना, हर घर में जितने पैसे जेवर थे सब निकाल दिया, एक एक जेवर निकाल लिया, पैसा निकाल लिया। और वहां मौजूद थे बड़े पदाधिकारी, मेरे फोन के जाने के बाद ये गलत हो रहा है, हमें 1 बजे रात में जाना पड़ा। ऐसा जुल्म मैंने नहीं देखा। पुलिस का जुल्म तो मैं देख रहा हूं, बेगूसराय में गोलू की मौत, साहबगंज में, उसके बाद इतना बड़ा जुल्म। ये कौन सा कानून है जो जिस तरीके से बेइंतहा नफरत देखा गया। कोई लेडीज बच्ची नहीं है जिसको पीटा नहीं गया। जिस लड़के की नौकरी में मेडिकल हो गया, दोनों को उठा के 25 लोगों को निर्दोष, पहले मर्डर, जिसका मर्डर हुआ उसके बाप को भी उठा के लेके चला गया, उसके पति को, कर्ता को भी मारा, कोई बक्से नहीं गए। जिसका सीसीटीवी फुटेज में एक भी फुटेज नहीं है, उन सबको उठा के ले गया। भाई, पहले वारंट में आप सम्मन देते, कार्रवाई करते, आप नोटिस देते, वारंट लेके धीरे में गिरफ्तार करते। कौन सा कानून रात की इजाजत देता है आपको? आपसे बड़ा गुंडा कौन है? लगातार बिहार में गुंडा ही, ये कौन सा दोस्त, कौन सी प्रवृत्ति है प्रेम का और पुलिस के बीच? क्या आप संविधान और कानून से ऊपर है? क्या वो अपराधी था, आतंकवादी था, जिस तरह का जुल्म आपने किया? 15 गाड़ी घेर के चौसा पुरैनी के थाना अन और डीएसपी एसडीओ के मौजूदगी में सबके घर तोड़ दिए गए। क्या मांग करते हैं? मांग, सब सस्पेंड हो। हमने डीएम साहब से बातचीत की है, आईजी साहब को मैंने मैसेज दिया, आईजी साहब से मैं बातचीत करूंगा, डीजी से बातचीत करूंगा। क्या यही पुलिस की संवेदना है? क्या यही पुलिस का मोहब्बत है? सर्वेंट वो नौकर होता है सरकार का। विधायक, एमपी, एमएलए जब कायर कमजोर निपुंसक होंगे तो इसी तरह का जुल्म गुंडा भी करेगा और पुलिस आतंकी की तरह भी करेगा। ये सब के सब जनप्रतिनिधि बिहार में कायर कमजोर बन चुके हैं। तो आपने सुन लिया और तस्वीरें भी आपने जरूर देख ली होगी कि किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रात के 1 बजे पहुंचे मधेपुरा के चौसा के इलाके में, जहां पे पुलिस प्रशासन ने घर में घुस के लाठी चार्ज की और बहुत चीज की। पप्पू यादव सीधे कह रहे हैं रात के 1 बजे पहुंचे भी थे और क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।